मिस्टर इंडियन हैकर की नगरी अजमेर के अंदर। ये वॉच ली है हमने दो येलो कलर की, एक एक कलर बंटी भाई और मैंने, तो अभी इसको सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग में कुछ धमाकेदार होने वाला है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ अजमेर शरीफ दरगाह। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, मैं अजमेर जा रहा हूँ। और आपने पिछली वाली वीडियो में जो सपोर्ट किया, 70-80 व्यूज़ आए उसमें, पिछला वाला ब्लॉग जो मैंने अभी डाला था 2-4 दिन पहले। तो ठीक है गाइस, मैंने 6-7 महीने से वीडियो नहीं डाली थी, उस वजह से मेरा रीच थोड़ा कम हो गया यूट्यूब का। इस वजह से अब मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने के मूड बना रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मैं कोई घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो उसमें मुझे कुछ छुट्टी वगैरह मिलती है, जैसे कि ऑफ मिलता है मुझे, छुट्टी मिलती है कंपनी की साइड से, तो उस दिन मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस कर लेते हैं तैयारियाँ और इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम जाने वाले हैं अजमेर शरीफ दरगाह। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं फाइनली रेडी होकर, और सामने बैग है इतना भरा हुआ, उसमें पावर बैंक, कुछ कपड़े वगैरह लेकर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरत पड़ गई तो फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। तो बंटी भाई, यहाँ से अजमेर कितना किलोमीटर होगा? 150 किलोमीटर बता रहे हैं बंटी भाई। तो यहाँ से कम लगभग हमको 2 घंटा लगने वाला है। तो ब्लॉग तो छोटा ही रहेगा, पर बट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और तो आप लास्ट तक देखना। तो फाइनली हम जा रहे हैं मेन हाईवे पर, बस का वेट करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं अजमेर में। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं रोड पर, मेन हाईवे पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोड है। तो अब करते हैं हम बस का वेट, पता नहीं कितने देर में बस आएगी, तो उसका वेट करते हैं, उसके बाद में आगे चल के कुछ आपको अच्छा बताएंगे। और ब्लॉग में बस लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर देना अपने भाई के लिए। बराबर काम करने के बाद मैं आपके लिए ब्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता है गाइस। हम आ चुके हैं मिस्टर इंडियन हैकर की नगरी अजमेर के अंदर। तो दोस्तों आज मैं मिस्टर इंडियन हैकर से तो मिलने नहीं आया हूँ, बट दोस्तों अगली वीडियो में जब भी मेरा अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, जब मेरा उनके साथ में कोई कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं इस वजह से। तो अभी मैं फाइनली आया हूँ दरगाह घूमने के लिए, तो चलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है दरगाह, वहाँ से टैक्सी वगैरह पकड़ते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फाइनली अजमेर शरीफ दरगाह पर। सो गाइस, आप अजमेर का सीन देख ही सकते हैं, अभी मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है, तो आप बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ईयरफोन वगैरह लगा लीजिए, और आप देख सकते हैं अजमेर का सीन कुछ ऐसा है। और मैंने फर्स्ट बार पब्लिक प्लेस में ब्लॉग कभी किया नहीं है, इस वजह से आज पब्लिक प्लेस में ब्लॉग कर रहा हूँ, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे करता रहूँगा तो आदत पड़ जाएगी। तो चलते आगे। सो गाइस, हमको दरगाह जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली, इस वजह से हमको पैदल पैदल दरगाह जाना पड़ रहा है। तो गूगल मैप में सर्च किया तो गूगल बता रहा है 2 किलोमीटर, तो चलते हैं पैदल पैदल ही चलते हैं, कुछ आधा घंटा लगेगा। सो गाइस, आप देख सकते हो सामने बोर्ड लगा हुआ है दरगाह जाने का रास्ता। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं दरगाह के मेन गेट पर। तो चलिए जूते मूते उतार लेते हैं और फिर अंदर एंटर करते हैं।
जाने थोड़ी ना देगा अंदर। क्यों? दो नंबर गेट से जाओ, भैया बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ जूते जमा करता हूँ, बैग जमा मैं नहीं करता। 500 का दे दो। सो गाइस, उधर एक नंबर गेट पर हमसे मना कर दिया था, हमारे पास बैग वगैरह था इस वजह से। तो हम फाइनली दो नंबर गेट पर आ चुके हैं और दो नंबर गेट पर अब यहाँ पर हम बैग जमा करने की यहाँ पर व्यवस्था है। तो यहाँ पर बैग जमा करेंगे और अंदर जाएंगे, अंदर आपको दरगाह दिखाते हैं बढ़िया। सो गाइस, आप सामने देख सकते हैं सोने का मुर्गा। मैं 100% तो नहीं कह सकता ये सोने का या इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सो हेलो गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ दरगाह के अंदर। ये है अजमेर शरीफ दरगाह और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं ये लकड़ियों का यहाँ पर खाना बनाया जाता है और इसमें अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ लोगों ने पैसे दान वगैरह किए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि लोग यहाँ पर पैसे दान करते हैं तो ये पैसे ये खुद रख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जितना पैसा इसमें डाला जाएगा उतने ही पैसे से यहाँ पर खाना बनाया जाएगा। तो ये छोटी वाली देग थी और आगे इसमें एक बड़ी वाली देग है, वहाँ पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं लकड़ियाँ लगी हुई हैं खाना बनाने के लिए। देखिए गाइस कितना सारा पैसा यहाँ पर दान होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर लोग चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यहाँ पर कोई भी आता है कभी भूखा नहीं रहता है। सुबह से हम रोज़ खाने के लिए बनता है, ये सारा भर के बनता है गाइस और इसी पैसे से बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि ये पूरा पैसा अपने पास रख लेते हैं, जबकि ये पूरा देख भर कर यहाँ पर खाना बनाया जाता है। दोस्तों, मैन दरगाह पर जाने के लिए आपको कुछ ऐसा गेट मिल जाएगा और फिर उसके बाद में आप देख ही सकते हैं आगे टेंट मेंट लगा हुआ है। आप आज कुछ प्रोग्राम है। तो ये है कुछ ऐसा सीन, आप देख सकते हैं ये है दरगाह। यहाँ पर लोग डलिया वगैरह लेके आते हैं और ये है मेन दरगाह का सीन गाइस। आप देख सकते हो कितना अच्छा सीन है और यहाँ पर कुछ कव्वाली वगैरह भी चल रही हैं। ये हमारे अनूप भाई, ये देखिए गाइस कव्वाली कितनी औसम तरीके से चल रही है। बताया जाता है गाइस कि यहाँ पर ऐसी भीड़ 12 महीने रहती है, तो मैं तो पहली बार आया हूँ गाइस। तो दोस्तों ये है मेन गेट। तो दोस्तों आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। लो लो लो, टाइम नहीं सेट है, कांटा वाटा देख लेना। ठीक है, जहाँ रख ले बैग में रख इनको। सो गाइस, ये वॉच ली है हमने, दो येलो कलर की, एक एक ले बंटी भाई और मैंने। तो अभी इसको एक्सचेंज करते हैं, बढ़िया अजमेर में अच्छी है, अपने लिए अच्छी क्वालिटी की वॉच है। ये अच्छी क्वालिटी की, फिर भी मात्र 100 रुपये की दी है इनने, 120 बता रहे थे, 100 रुपये की दिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। सो दोस्तों, एक दुकान पर हमको मिनी बैग देखने के लिए मिल गया था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। तो आप लेदर का बैग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मात्र 100 रुपये का है, ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी। तो ले लेते हैं इसको भी, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। आगे कमर पर लगाने के लिए छोटा मोटा ट्राईपॉड वगैरह तो आप रख ही सकते हो आराम से। तो बंटी भाई को पसंद आया ये, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी अभी फ़िलहाल। तो आप देख सकते हो बंटी भाई ये ले लिया है, अच्छा अच्छी क्वालिटी का है।
सो गाइस आप सामने देख सकते हैं हंक मिस्टर साहिल खान अजमेर के अंदर धुर्राटे काट रहे हैं। सो फाइनली गाइस हमने पकड़ लिया है ऑटो और ऑटो पकड़ने के बाद हम जाएंगे बस स्टैंड से भीलवाड़ा के लिए बस पकड़ेंगे। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना गाइस। और मैं अभी राजस्थान के अंदर हूँ, अगर आपको राजस्थान के अंदर किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग चाहिए तो आप मुझे बता देना। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।